हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एमडीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, संविदा पर लगे कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। समझ रही है सर कि मेरे वार्ड में एक पेशेंट आया था, वो मेरे को पता नहीं था कि कोरोना वाला है। मैंने उसकी टच करा, उसकी बॉडी पैक करी, उसके बाद इन्होंने कहा वो पॉजिटिव है। तो इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर 14 दिन रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे को सुविधा तो मिले सर। मैं 3 दिन से सड़क पे सो रही हूँ सर, सड़क पे रह रही हूँ। मेरे बच्चे ही परेशान है, मैं घर नहीं जा सकती, घर जाती तो इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों को। अब मैं क्या करूँ सर, आप खुद बताओ। मथुरा दास माथुर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ शनिवार को संविदा पर लगे कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले ये कर्मचारी अस्पताल प्रशासन की अव्यवस्थाओं से आक्रोशित हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हें कोरोना से बचाव की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, ऐसे में आज ये काम का बहिष्कार कर बाहर आ गए। बाद में समझाइश पर वे लोग काम पर लौटे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे इस अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारी भी अव्यवस्थाओं से आहत होकर सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया था। एमडीएम अस्पताल में ठेके पर लगे कर्मचारियों ने शिकायत की है कि पिछले दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से एक बुजुर्ग की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव मरीज के शव को पैक किया था। इसके बाद भी उन्हें अभी तक क्वारंटाइन नहीं किया गया है, ना ही उन्हें अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी तरह का लाइफ सेविंग किट दिया गया। पिछले 2-3 दिनों से सड़कों पर ही रहने और सोने को मजबूर हैं। वो भय के मारे घर भी नहीं जा रहे हैं। इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एमके आसेरी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एमके आसेरी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने अपना दायित्व संभाला। हमारे लिए चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, स्वीपर्स की कैटेगरी का हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग हो, कोई भी इंसान जो अस्पताल में काम करते हैं, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि अस्पताल करे, और हम उसकी कर रहे हैं। अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो मेरे से कभी भी बात कर सकता है 24 घंटे। हम पूरी सुरक्षा मास्क वगैरह सभी दे रहे हैं। बता दें कि जोधपुर का एमडीएम अस्पताल इन दिनों पूरे जोधपुर संभाग में कोरोना के इलाज का केंद्र बना हुआ है। जोधपुर सहित संभाग के अधिकांश मरीजों का यहीं पर इलाज चल रहा है। इनके इलाज के लिए तैनात नर्सेज व अन्य कर्मचारियों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले नर्सेज ने भी यहाँ अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए काम का बहिष्कार कर दिया था। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।